ये तस्वीरें बीजेपी राज की है, योगी के उत्तर प्रदेश की है, और जिन महिलाओं को घसीटा जा रहा है उन्हें पहचानते हैं आप कौन है वो? मैं बताती हूँ, घसीटा उनको जा रहा है जिन पर आपकी और आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जुर्म सिर्फ इतना सा है कि महंगाई के इस दौर में थोड़ी सैलरी बढ़ाने की मांग की थी, बस फिर क्या था, बीजेपी सरकार ने पुलिस को पुलिस से ही भिड़वा दिया। महिला पुलिस कर्मियों को सड़क पर घसीटा जाने लगा, अपराधियों की तरह पुलिस वैन में भर दिया गया। जब आप यूपी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल करके मदद की गुहार लगाते हैं, फिर जो आपकी मदद के लिए हाजिर होते हैं ये वही पुलिस कर्मी हैं जिन्हें 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहना होता है, लेकिन आज इनकी मदद के लिए कोई सरकार कोई मंत्री नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इन महिला कर्मचारियों ने सरकार से कुछ आम सी मांगे रखी थी। ये महिलाएं 9 घंटे काम करती हैं जिसके लिए इन्हें महज 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। इतने कम पैसों में घर का खर्च और परिवार का गुजारा नहीं हुआ तो सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग कर दी, बस यही गुनाह हो गया। निर्दयी भाजपा सरकार वेतन तो क्या ही बढ़ाती, उल्टा इन महिलाओं की नौकरी खाने की तैयारी में है। भनक लगते ही ये महिलाएं परेशान हो गई, आकर धरने पर बैठ गई। सुबह से रात हो गई, सर्द हवा में सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठी रही, लेकिन बीजेपी सरकार ने इनकी कोई सुध तक नहीं ली, उल्टा पुलिस से इन पर लाठियां चलवा दी, गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा, सड़कों पर घसीट डाला। हम लोग बिना नुकसान के यहाँ से जा रहे थे सीएम आवास, तो हम लोग को बंद कर दिया है, लड़कों को बंद कर दिया, धक्का दिया गया है, अभी अब हम पकड़ के बाहर ले जा रहे हैं। वहाँ पर बैठे लड़की को डायरेक्ट उसके बारे में बंधक बना के रखा गया था, अब इसके बाद हम लोग किसी तरीके जान बचा के आए, यहाँ पर हम लोगों को बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है, मारते हुए लेकर आ रहे हैं, उसमें कितनी धक्का दे अत्याचार का ही दूसरा वीडियो भी उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग थी कि 69,000 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। नौकरी की आस में लंबे समय से सरकार का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरना पड़ा। नियुक्ति पत्र तो नहीं मिले, लेकिन सरकार ने इन्हें घसीटकर सड़क के किनारे फेंकवा दिया। ये सरकार आपके साथ ऐसा ही करेगी, आवाज उठाओगे तो मारा पीटा जाएगा, सड़कों पर घसीटा जाएगा, लेकिन आपका हक आपको नहीं मिलेगा। हालात अब तभी सुधरेंगे जब जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया।